एंगलिंग के तमाम शिकारियों को अस्सलाम वालेकुम। हम आपको सगीर अहमद फिश मास्टर पर वेलकम करते हैं। जैसा कि आज हम आपको नुस्खा नंबर 4 बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं कि मेरे बीमार होने की वजह से आप तक वीडियो ना पहुंच सकी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत बेहतर हूं, तो इंशाल्लाह आप तक वीडियो पहुंचती रहेंगी। तो सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा चारा बनाता है, इस्तेमाल करता है, मच्छी पकड़ता है, एक तो वो दूसरे लोगों से छुपाए नहीं, दूसरा आपका कोई चैनल है, टिकटॉक है, फेसबुक है, जिस पे भी आप डालते हैं, तो उस पे आप ये ज़रूर बताएं कि ये जो हमने फिशेस पकड़ी हैं, मच्छी पकड़ी है, ये नुस्खे हमने सगीर अहमद फिश मास्टर से लिए हैं। सच बोलने से आपको सवाब मिलेगा और अल्लाह पाक भी राजी होता है। जब आप किसी को कोई भी चीज बताते हैं ना, तो उसका अल्लाह पाक आपको सवाब देता है, आपके नामा अमाल में सवाब लिखा जाता है। आज मैं आपको नुस्खा नंबर 4 बताऊंगा। इंशाल्लाह जो पैसे के लिहाज से कमज़ोर हैं एंगलर्स, जो शिकारी भाई महंगा चारा नहीं बना सकते, वो ये चारा इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह अल्लाह और नबी के हुक्म से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका और बहुत ज़बरदस्त शिकार होता है। तो अब हम आपको चारा नंबर 4 बताते हैं। ये हमारा नुस्खा नंबर 4 है जी। इसमें आप चीज़ें देख लें, कपूर कचरी 50 ग्राम, कचरी 50 ग्राम, नागर मोथा 50 ग्राम, आओबेर 50 ग्राम, वर्च 50 ग्राम, सोए 50 ग्राम, पहाड़ी पुदीना 50 ग्राम, फूल गुलाब 50 ग्राम, छड़ीला 50 ग्राम, टिम्बर 50 ग्राम, वल अजवाइन 50 ग्राम। ये बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है और इसका बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये नुस्खा जो है ना, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है चारा बनाना। इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक इसको बनाने का तरीका आपको अपलोड करूंगा मैं। ये चारा आप चीज़ें खरीद लें और इनको पिसाई कर लें पाउडर की शक्ल में। रिस्क अल्लाह ताला अता करते हैं, किसको कितना मिलता है ये उसके अपने नसीब की बात है, लेकिन कुछ वजूहात होती हैं शिकार ना होने की। एक तो आपका पानी का लेवल 8 से 12 फुट के दरमियान होना चाहिए जहाँ पे आप शिकार खेलते हैं। अगर आप नए हैं और उस चीज़ को आप महसूस नहीं कर सकते कि इतना लेवल का पानी किस जगह पर है, नीचे जगह साफ है या गंदी है, तो आप कोशिश करें कि जिस जगह पर आप दूसरे शिकारियों को मछली पकड़ता हुआ देखते हैं, आप चारे का इस्तेमाल उस जगह पे करें, आपको पता लग जाएगा चारा ठीक है या गलत है। और जैसे जैसे इंसान शिकार खेलता है, वैसे वैसे उसको तजर्बा हासिल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, इसका बनाने का तरीका आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल है।